नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो स्पेशली हम बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए बना रहे हैं। इसके अलावा अगर यूपी पॉलिटेक्निक के लिए बच्चे अगर देखें तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जो सिलेबस यूपी बिहार झारखंड का है वही सिलेबस सारे जगह का है। तो बेटा आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, सबके लिए है, जो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है, त्रिभुज से संबंधित है, मात्र एक सेकंड का क्वेश्चन है। जरा आप स्क्रीन पर देखिए, चित्र में डी ई बी सी के समांतर है। पहले मैं भी चित्र बना लेता हूँ इस पर, वैसे तो आप देख ही रहे होंगे लेकिन मैं भी बना लेता हूँ। ए बी सी डी ई, क्लियर? बोला गया कि डी ई बी सी के समांतर है, यानी ये समांतर ये, और डी ई अपन बी सी का मान दिया हुआ है कितना, डी ई अपन बी सी का मान दिया हुआ है 3/9। तीन संबंधे पाँच का मतलब हुआ 3/5, क्लियर? तो पूछा है त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हैं किस अनुपात में। बेटा मैंने आपको समरूप त्रिभुज जब पढ़ाया था ना, तो इतना बेहतर तरीका बताया था, जिसने देखा होगा उसके लिए तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं वो कर लिया होगा, लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं अब उनकी बारी है। जब किसी भी त्रिभुज के अंदर बीच वाली भुजा सबसे नीचे वाली भुजा के समांतर हो, तो इन दोनों त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात का वर्ग इनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। अगर मेरी बात तुम नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, बस जब दिया है डी ई अपान बी सी, डी ई अपान बी सी और क्षेत्रफल पूछे तो इसी का स्क्वायर कर दो, इसी का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 3/5 का स्क्वायर कितना होगा, 9/25। अनुपात में बदलोगे 9/25, यही तुम्हारा आंसर। कभी भी पूछे अनुपात दिया हो अगर, ठीक है बंद कर दिए साइलेंट, अनुपात दिया हो भुजाओं का अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्या करोगे, स्क्वायर कर दो। अब मैं इसी क्वेश्चन का उल्टा बताता हूँ। उल्टा ऐसे मान लो कोई त्रिभुज दिया हो, ये वाली भुजा ए बी सी, ये वाली भुजा मान लीजिए पी क्यू रख दिया, ठीक है, और दे दे कि क्षेत्र त्रिभुज ए पी क्यू, ए पी क्यू संबंधित त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी बराबर दे दिया हो 16/49, तो आपसे पूछ दे कि बेटा पी क्यू अपन बी सी का मान क्या होगा, पी क्यू अपन बी सी का मान क्या होगा। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और भुजाओं का अनुपात पूछे तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वर्गमूल। तो इसका 4 हो जाएगा वर्गमूल, इसका हो जाएगा 7, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अनुपात पूछेगा तो इसको 4/7 कर देना, और ये क्वेश्चन ठीक है इसी का उल्टा है। तो मैंने आपको एक प्रश्न में से दो प्रश्न बताया, अब आपकी बारी है कि आप इसको किस तरह से लेते हो। कुछ लोग कहते हैं यार मास्टर बहुत तू बात करता है वीडियो में, हैं तो मैं जो बात करता हूँ वो सब कुछ आपके लिए ही करता हूँ, उसमें कुछ मेरे लिए भी रहता है लेकिन आपसे रिलेटेड रहता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जिसको मैंने सॉल्व किया डी वाला होगा, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी फिगर से रिलेटेड है, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो, इत्मीनान से देखो, काफ़ी मज़ा है। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से ए टू जेड नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए, यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर इस तरीके से, 50 चैप्टर कम्प्लीट मैथ चाहिए,
पर 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए और साथ में 2300 क्वेश्चन का पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए। पीडीएफ क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सलूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 8180 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन वृत्त का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मेरे पास आया था बहुत दिनों से, आज इसका कायाकल्प कर दिया जा रहा है। पी क्यू आर, और यहाँ पर देखिए इधर तुम्हारा 80 डिग्री कोण बन रहा है, इधर तुम्हारा 120 डिग्री का बन रहा है। पूछा जा रहा पी क्यू आर का मान क्या होगा, इस दोनों कोण का मान क्या होगा, पी क्यू आर का मान क्या होगा। तो बेटा मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई है, जो लोग मुझे पिछले 2 महीनों से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो आज पहली बार देख रहा उसको भी तो समझना है। समझो, एक ही ये जो मैं जिगजैग 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 वाला लाइन खींच रहा हूँ, एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यानी हम इस चाप द्वारा यहाँ पर दोनों कोण मिला के कितना बना रहे हैं, 80 और 120 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 200 होगा। तो दोनों कोण मिला के हम 200 बना रहे हैं, तो परिधि पर इसका आधा होगा, क्या होगा, आधा आधा परिधि पर आधा दुगना आधा दुगना आधा दुगना आधा दुगना, याद रहेगा, बीच में बीचों बीच दुगना और यहाँ पर कोना पर आधा। तो ये दोनों मिला के 200 हुआ, तो इसका आधा यहाँ हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन वाला सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हुआ। ठीक है, ऐसे ही सवाल कभी कभी ऐसे आ जाता है एग्जाम में, मान लो ये सवाल नहीं आए, इस तरह से आ गया, ऐसे आ गया और यहाँ दे दिया हो 60 डिग्री, तुमसे पूछ दे कि तुम बताओ भाई यहाँ कितना डिग्री होगा, तो कितना बताओगे, कितना बताओगे, 60 का ठीक है दुगना होगा यहाँ पर 120। तो ऐसे सवाल बहुत आएंगे एग्जाम में, आप परेशान मत होइए, बहुत सवाल देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा लग रहा है, एक मिनट, इस कोण का ये वाला दुगना होगा, तो यहाँ पर एक गलती हो गई, अब ये सवाल जो है ये क्या, ये वृत्त से रिलेटेड है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे,
वो कन्फ्यूजन मैं दूर करूंगा। शायद आप पी क्यू आर का मान गेस कर रहे होंगे कि इसका आंसर आएगा 100। सब लोग इसका आंसर 100 मानेंगे, लेकिन इसका आंसर 100 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताते हैं। एक ही चाप पी आर द्वारा यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसका दुगुना हो, इसका आधा होगा ये वाला, ठीक है ना। इस कोण का आधा होगा ये वाला। तो पहले तुम पता करो कि इधर का कोण कितना है। तो इधर इधर 120 और 80 जोड़ देंगे, जब 120 और 80 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो 200 को अब 360 में से घटाएंगे तो इधर आएगा 160। अब 160 का आधा इधर होगा कितना, 80 डिग्री। 160 का आधा कितना होगा, 80 डिग्री। समझ गए। तो इसमें विकल्प नंबर बी वाला सही हुआ, विकल्प नंबर बी वाला सही हुआ। कभी कभी ऐसे सवाल दे देगा आपको कि भाई तुम बताओ ऐसे, ये कोण दे दिया 60, इधर वाला कोण पूछ देगा कितना होगा, तो ठीक 60 का इधर वाला दोगुना 120 होगा। और अगर इधर वाला भी पूछा रहेगा तो 360 में से 120 घटा दोगे तो इधर वाला पता चल जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह का सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये बिहार पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया था, मैंने जो आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी की बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आप जब कमेंट करके लिखते हैं कि सर मुझे समझ में आ गया, तब मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलिए मेरा प्रयास, मेरा मेहनत किसी के काम आ रहा है। और जब कमेंट नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, इस टॉपिक पर दूसरे टॉपिक पर बनाना चाहिए। तो आपकी डिमांड जैसी रहेगी वैसे